नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए जो प्रचार का काम है तेजी से चल रहा है। प्रभा साक्षी की टीम हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रही है, लोगों के मन की बात क्या है ये आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, खासतौर पे चुनावी रांगड़ी कार्यक्रम से। तो चुनावी रांगड़ी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत करते हुए मैं आपको बता दूँ कि हम सोहना ताड़ू विधानसभा क्षेत्र में हैं। मेरे साथ कुछ स्थानीय महिलाएँ हैं, आइए बातचीत करते हैं इन लोगों से, इन लोगों के मुद्दे समझते हैं। जी, आपका शुभ नाम? नेहा तिवारी जी। और ये बताइए कि यहाँ पे क्या समस्याएं आप लोगों को सामने? हम चाहते हैं हमारी कॉलोनी पक्की हो जाए और सिविल लाइंस की सुविधा हो जाए और भी ये सब सुविधाएं अच्छे अच्छे यहाँ पे स्कूल्स हो जाए, लाइट्स हो जाए, सारी ये सब ठीक हो जाए। और बच्चों के लिए स्कूल यहाँ पर सब है? हाँ, स्कूल्स हैं, अब दूर है। हाँ, अस्पताल वगैरह पास में है? नहीं, हम चाहते हैं और अच्छे अस्पताल भी बन जाए नियर बाई, सबसे पहले हमारी कॉलोनी पक्की हो जाए जी। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस करती हैं इस एरिया में? यहाँ तो सुरक्षा है, सुरक्षा है, कुछ आने जाने की सुविधा नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, प्राइवेट है, पढ़ाने की नहीं है क्षमता, सरकारी स्कूल अस्पताल होना चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए। अच्छा, वृद्धावस्था पेंशन चाहिए? यहाँ पर राशन कार्ड भी नहीं बने हुए हैं, घर से हमारे बाहर के लोग राशन कार्ड के लिए भी कोई नहीं सुनवाई होती है यहाँ पर, बच्चों ना बच्चों की पढ़ाई में कुछ मिलता है यहाँ पर कि मिले कुछ, सरकारी तरफ से कुछ सुविधा नहीं है अभी तो हम लोगों के लिए, नहीं राशन कार्ड तक नहीं बना हम लोगों का। मोदी जी जो आयुष्मान कार्ड देते हैं और फ्री इलाज वाला, वो कुछ भी नहीं है, हम लोग यहाँ ऐसे फील करते हैं कि हमारे लिए मतलब कुछ है ही नहीं, हम कुछ भी क्या मतलब, हमारी कॉलोनी पक्की हो जाएगी तो सब सुविधा हो जाएगी, हम लोग पर कुछ सोचना जी। तो आपको क्या लगता है, इस बार चुनाव होने जा रहा है, 5 तारीख को वोट है, बीजेपी भी बहुत सारे दावे कर रही है, कांग्रेस भी वादे कर रही है, क्या आप लोगों को लगता है? हमारे पूरे हो जाए तो हम तैयार, मतलब आगे सब कुछ करेंगे। जनता के मन में कौन सी पार्टी है? मन में ये हमारा काम कर दे, हम तो उन्हीं के ही है जी, जो काम कर दे, जो काम कर दे हम कर। नहीं, पर चुनाव के दौरान तो वादे बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ, तो यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि वादे हमारे कितने पूरे करती हैं जी, पार्टियां भी तो वादे करती हैं, जो कर रही हैं, लेकिन जनता किसके वादों पे यकीन कर रही है? कांग्रेस के ऊपर वादा कर रही है, कांग्रेस जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, सही है, अच्छा करे तो हमारे लिए भी फायदा है, कांग्रेस के लिए भी फायदा है जी। जी जी जी, तो आप लोगों ने बिल्कुल कांग्रेस का पटका भी पहन रखा पूरी तरह से, इस बार कांग्रेस की सरकार लाने के मूड में है। जी, देखो बारिश तो बहुत तेजी से हो गई, दुआएं मिल गई सारी जी, दुआएं मिल गई, अब आगे देखो क्या होता है। सड़कें पक्की हो, यहाँ के रास्ते पक्के हो जाएं, बिजलियां पक्की हो जाएं, हमारी कॉलोनी पक्की हो जाए, तो इसीलिए हम यही चाहते हैं, तो अब बहुत हमारी कॉलोनी पक्की हो। बरसात में बहुत दिक्कत होती है? नहीं, बरसात में ये सिविल लाइन नहीं तो दिक्कत होती है, कॉलोनियों में पानी रुकता है, सीवर आ जाए हमारे, बस हम ये चाहते हैं। नहीं, इस बार लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो वादे कर रही है उस पर उनको यकीन ज़्यादा है, देखना होगा कि परिणाम अंततः क्या रहता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए सोहना ताड़ू विधानसभा क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।